हेलो गाइस, मेरा नाम है नाइट कुरार चिमनी और मैं आज आपके लिए सबके लिए एक नया एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेंजर्स इन माय हार्ट। यह एक स्कूल लाइफ रोमांटिक ड्रामा एनिमी है। सच कहूँ तो यह वाला एनिमी मुझे बहुत पसंद आया, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला एपिसोड। इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है कियो इचिकावा। इचिकावा होता है अपनी क्लास में बैठा होता है और एक मर्डर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा होता है और हमको बता रहा होता है कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, मुझे खून खराबा पसंद है और मेरे जूनियर हाई स्कूल से मुझे मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। इचिकावा अपने बारे में बता ही रहा होता है कि तभी पीछे खड़े लड़के से उसे धक्का लग सकता है। वो लड़का उसे सॉरी बोलता है लेकिन इचिकावा अपनी जेब से पेपर कटर निकालता है और उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन वो इचिकावा अपने दिमाग में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मेरा अभी भी ये फोबिया ख़त्म नहीं हुआ और वो कहता है कि मुझे इस क्लास में सबसे ज़्यादा जिस लड़की को मारना है उसका नाम है अन्ना यमादा। यमादा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है स्कूल की और वो एक मैगजीन की मॉडल भी है। मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस लड़की को दर्द में तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ और तुम पछताओगी मुझे ऐसा चेहरा दिखाने के लिए। वो कहता है कि तुम्हारा ये खूबसूरत बाल सिर्फ तुम्हारे खूनी को बिलोंग करते हैं। इचिकावा और कहता है कि लंच ब्रेक के टाइम में क्लास में बहुत हल्ला होता है इसलिए वो क्लास से बाहर चला आता है और वो लाइब्रेरी की ओर जा रहा होता है। और जब वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि जो यमादा होती है वो अपना खाना खा रही होती है लाइब्रेरी में और वो देख के वो हैरान रह जाता है। वो यमादा को देख ही रहा होता है और यमादा भी उसको ही देख रही होती है लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहता है और लाइब्रेरी में चला आता है। तभी यमादा उसको रोकती है और खाते हुए कुछ बोलती है लेकिन इचिकावा को समझ नहीं पाता है। फिर वो खाली हाँ कह के बुक शेल्फ के पीछे चल जाता है और वहीं से यमादा को देखता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लंच ब्रेक के टाइम में लाइब्रेरी में खाना खा रही है। वो सेल्फ से ही यमादा को देख रहा होता है। तभी यमादा अपने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकालती है और गाना गुनगुनाते हुए उसे खाने लगती है और इचिकावा सोचता है कि किस टाइप की पागल लड़की है जो पहली बार तो लाइब्रेरी में खाना खा रही है और वो भी इतने मज़े से। इचिकावा सोचता है कि वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती है। इचिकावा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको कुछ आवाज़ आती है और वो दोबारा से यमादा की ओर देखता है। यमादा अपने बैग से पेन निकाल के कुछ कागज़ में लिख रही होती है तो इचिकावा कहता है कि इसे भी क्लास प्रेजेंटेशन का काम मिल रखा है। तो वो देखता है कि यमादा की राइटिंग बहुत भयानक है। यमादा इतना बड़ा बड़ा लिख देती है कि पेपर में जगह ही नहीं बचती है तो वो पेपर कटर ढूंढने लगती है लेकिन उसको मिलता नहीं है। और इचिकावा यहाँ पे सेल्फ के पीछे यही सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे और वो कहता है कि क्या मैं यमादा को अपना पेपर कटर दे दूँ, लेकिन वो उसका मर्डरर पेपर कटर होता है जिससे वो यमादा को मारना चाहता था वो उसे ऐसे नहीं दे सकता था। वो देखता है कि यमादा पेपर को ऐसे हाथों से फाड़ रही थी लेकिन इचिकावा उसे रोकता है और अपना पेपर कटर उसे दे देता है। यमादा कहती है मुझे इसी की तो ज़रूरत थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इचिकावा कहता है कोई बात नहीं। फिर वो वापस बुक शेल्फ के पीछे आ जाता है और सोचता है ये मैं कर क्या रहा हूँ। तभी वो यमादा की ओर देखता है तो यमादा उसका पेन कटर अपने बैग में रख लेती है और वापस अपनी क्लास के जा रही होती है। इचिकावा उसके पीछे दौड़ता और चिल्लाता है कि ये मेरा है, लेकिन तब तक यमादा क्लास से बाहर चली जाती है। और तभी यमादा की एक दोस्त आती है और उसको चिल्लाती है तुम कहाँ थी, क्या तुम अकेले ही लाइब्रेरी में खाना खा रही थी। और यमादा चिप्स का पैकेट अपने पीछे छुपाती है और कहती है नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपने चिप्स का पैकेट इचिकावा को दे देती है। लेकिन वो तभी कहती है कि इसमें थोड़ा बचा है और तभी वो खा देती है। इचिकावा समझ रहा होता है मुझे खाने के लिए दे दी है, लेकिन जब वो चिप्स के पैकेट को देखता है तो खाली होता है। तब उसे समझ में आता है कि यमादा ने उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए उसको दे रखा है। और यमादा वहाँ से चली जाती है और उसकी दोस्तों से कहती है कि अपना कचरा दूसरों को मत दिया करो। और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इचिकावा से डस्टबिन में फेंकने वाला होता है तभी रुक जाता है और सोचता है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा स्कूल जाता है और खुद से ही कह रहा होता है कि कल से मेरा जो पेपर कटर है वो उसके पेंसिल बॉक्स में ही रह गया है और पता नहीं मुझे कब देगी। लेकिन जब वो अपनी सीट पर जाता है तो उसे वो अपना पेपर कटर वहीं मिलता है। वो कहता है कि उसे मेरी सीट पता है
और जब वो उसे अपने पीपल बटर को छूता है तो उसे गर्म महसूस होता है, तो उसे पता चलता है कि क्या वो रास्ते में इसे पकड़ के अपने साथ ला रही थी। अब मैं इससे यमादा को मार सकता हूँ। इचिगावा यमादा की ओर देखता है तो वो कुछ ढूंढ रही होती है। यमादा अपना प्रेजेंटेशन ढूंढ रही होती है, तभी उसकी दोस्त कहती है, तुम्हारे लिए मैंने उसको सही कर दिया, तुमने बहुत बेकार बनाया था और तुम्हारी हैंडराइटिंग भी गंदी थी। और ये बात इचिकावा भी सुन लेता है। इचिकावा कहता है कि पर यमादा ने बहुत मेहनत की थी, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है उस लड़की को देख के। और इचिकावा कहता है चुड़ैल कहीं की। थोड़ी देर बाद उनकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। पहले यमादा के साथ उसकी दोस्त और वो जाते हैं प्रेजेंटेशन देने, लेकिन यमादा बस खड़े रहती है। इचिकावा यमादा की ओर देखता है तो उसे लगता है कि जो यमादा है वो उदास है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन उसने नहीं बनाई होती इसलिए। और इचिकावा सोचता है कि इससे यमादा की फीलिंग को ज़रूर हटवा होगा। थोड़ी देर बाद लड़कों की बारी आती है प्रेजेंटेशन देने की, जिसमें इचिकावा और उसके क्लासमेट जाते हैं। इसमें जो इचिकावा का क्लासमेट होता है वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। इचिकावा बस खड़ा होता है, तभी उसका ध्यान यमादा की ओर जाता है जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। और उसे देख के उसे लगता है कि यमादा बस रोने ही वाली है। इचिकावा सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले उससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अभी वो यहाँ रोने ही वाली है बस। और इचिकावा सोचता है कि यमादा ने इसके लिए मेहनत भी बहुत की थी। तभी इचिकावा की क्लास से कोई कहता है कि देखो बाहर कोई हेलीकॉप्टर है। सभी क्लास वाले खिड़की की ओर देखने लगते हैं और इचिकावा सोचता है कि उस तरफ मत देखो। इचिकावा सोचता है कि अगर उसके क्लासमेट खिड़की की ओर देखेंगे तो उसे यमादा भी दिख जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि यमादा रो रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो उन सबका ध्यान भटकाना चाहता था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। तभी अपनी जेब से पेपर कटर निकालता है और जो उनकी प्रेजेंटेशन जो बोर्ड में टंगी होती है उसको बीच से फाड़ देता है। तभी सभी क्लास वालों का ध्यान उस तरफ जाता है और वो उसे देखते रह जाते हैं। तभी जो उसका क्लासमेट होता है जो उसके साथ प्रेजेंटेशन दे रहा होता है वो कहता है तुमने क्या किया। तभी और इचिकावा कहता है कि अब प्रेजेंटेशन पूरी हो गई थी तो इसका मुझे लगता है इसका कुछ फ़ायदा नहीं था। सारे क्लास वाले इचिकावा को ही देख रहे होते हैं और इचिकावा कहते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। इचिकावा यमादा की ओर देखता है और कहता है वो जितना चाहे उतना रो सकती है। तो यमादा की ओर देखता है तो यमादा अपनी दोस्त से कह रही होती है कि देखो कितना अजीब सा हेलीकॉप्टर है। और उसकी दोस्त कहती है मुझे पता है। अब यमादा खुद से कहता है कि ये क्या था।